पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में राजाओं का पहला ग्रंथ में हम लोग सुनते हैं कि एलाइजा ईश्वर के लिए कार्य करते रहते हैं और वे इतने थक कर चूर हो गए थे कि वह रास्ते चलते वक्त वह किसी झाड़ी के नीचे बैठते हैं और वहां पर वे सो जाते हैं और वे इतने चूर चूर हो गए थे कि वह व्यक्ति अपने आप में वह सोचने लगा कि प्रभु मुझे इस दुनिया से उठा ले, है ना, मुझसे हो गया, अब यह रहा नहीं जाता। क्योंकि वह व्यक्ति सच में इतने जोर से थके हुए थे और वे परेशान थे और लोगों के लिए इतनी भविष्यवाणी करने के बाद भी वे अपने जीवन में नहीं बदले, इसलिए वे कहते हैं कि अब मुझसे यह रहा नहीं गया, अब मुझे इस दुनिया से उठा ले, मैं यहां मरना चाहता हूं। और वह व्यक्ति वहां सोए रहता है और स्वर्ग का दूत उसके पास आकर कहता है कि आप उठो, कुछ खा लो। और वह व्यक्ति उठकर खाता है और फिर बाद में सो जाता है। तो फिर स्वर्गदूत आकर कहता है कि आप उठिए, खाइए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, लंबी रास्ता है। और वह व्यक्ति उठकर खाता है और वह फिर चलने लगता है। 40 दिन 40 रात का लंबी सफर वह तय करके वह उस हेरोब नामक एक पहाड़ पर पहुंचता है। और वह पहाड़ पर पहुंचने के बाद परमेश्वर की आराधना करता है। आज हमारे जीवन में भी देखें तो हमारी रास्ता बहुत ही लंबी है, हमारी रास्ता में कोई भी सुख सुविधा नहीं होती है, कुछ भी अच्छे चीजें नहीं मिलती है, लेकिन हम इस व्यक्ति के समान हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि स्वर्गदूत हमेशा हमारे जीवन की आवश्यकताओं के लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं देने के लिए, और हमें वह रास्ता तय करके ईश्वर के पास पहुंचने की आवश्यकता है। उसी प्रकार आज के दूसरे पाठ में भी बहुत ही सुंदर शब्द दिया गया है, जहां पर पवित्र आत्मा एक मुक्तिप्रद चीजों से हमें वह सील कर चुका है, मतलब हमें मोहर डाल दिया है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम निर्जीकरण का संस्कार लेते हैं तो वह पवित्र आत्मा के सील या तो मोहर से हमें अंकित कर दिया जाता है, जिससे हम एक सच्चे ख्रिस्तीय बन सके और हमें हर प्रकार के पापों, दोषों और नेगेटिव चीजों से हमें दूर रहना है और अच्छे विचारधारा हमारे जीवन में, हमारे मन में लाना है। आज के दूसरे पाठ में वही चीज बताया गया है कि हम सभी कटुता, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा सभी चीजों को भूल जाएं और हम पर एक क्षमाशीलता की हृदय हो, हम एक दूसरे को प्रेम दिखाएं। और जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं, हम उन्हें प्रेम दिखाते हैं, तब परमेश्वर भी हम पर दया दिखाएगी। जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए मुझे क्षमा किया है, उसी प्रकार हम दूसरों को भी क्षमा करें, जो हम हमेशा दैनिक प्रार्थना में किया करते हैं। और सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है वह हमेशा जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कई सारे लोग इस जीवन रोटी को समझ नहीं पाते हैं। जो हम रोज दिन मिसा बलिदान में चढ़ाते हैं वह परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त का जीवंत रोटी है, जिसे हम ग्रहण करते हैं और वह हमें आंतरिक रूप से, पूर्ण रूप से हमें नया जीवन प्रदान करता है। मैं याद करता हूं कई हमारे दूसरे समाज के लोग, या तो जो ख्रिस्ते हैं लेकिन हमारे कैथोलिक विश्वास में नहीं आते हैं, वे लोग कहते हैं कि जो हम मिसा बलिदान अर्पित करते हैं, जो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त देखते हैं, वह वास्तव में नहीं है। लोग इस प्रकार का सवाल करते हैं, लेकिन हम कहते हैं, हमारे कैथोलिक कलीसिया विश्वास करती है कि जो हम मिसा बलिदान में
अर्पण करते हैं वह सच्चा शरीर और रक्त में परिवर्तन हो जाता है, और वह परिवर्तन शरीर को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में वह बदलाव लाता है। क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने खुद वह रोटी लेकर कहा कि यह मेरा शरीर है, उन्होंने वह प्याला लेकर भी यही कहा कि यह मेरा रक्त है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस चीज को हमें विश्वास करना है कि जब भी हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो हमें यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त को पूर्ण रूप से स्वच्छ हृदय से हम उसे ग्रहण करें और हम चंगाई प्राप्त करें। हम सभी लोग कई बार इस चीज को हम ध्यान नहीं देते हैं या तो हम उसका महत्व नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि छोटी छोटी प्रार्थनाएं घर पे ही रहकर हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बलिदान हम जिसे मानते हैं वह है हमारा ख्रिस्तीय जीवन का, वह है मिस्सा बलिदान। यदि हम मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते हो तो वह हमारा पूर्ण रूप से जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वह पूरा नहीं होता है, क्योंकि वही हमारे प्रभु ईसा मसीह ने अंतिम ब्यारी पर स्थापना किया। इसलिए जरूर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदय में लाए, उसे ग्रहण करें, जिससे हम सच्चे ख्रिस्तीय बन सके, सच्चे कैथोलिक कलीसिया के बताए हुए राह पर हम चल सके। यही चीज को हमें बताया जाता है। आइए हम सभी लोग इस मतलब को और हम अपने जीवन के अच्छे गुणों को अपनाने के लिए हम परमेश्वर से यह कृपा दान मांगे। आइए हम कुछ देर मौन रहकर प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।